Mix of the world. So guys, ये speaker है Artis BT90 portable speaker Artis की तरफ से 3 watt power output है इसका. So guys, ये phase 3 है video का. इसमें इस speaker के बारे में हम review देंगे, sound quality check करेंगे कैसा है, build quality कैसी है. बाकी है तो हल्का ही ठीक है. box के अंदर क्या क्या आता है, ये है box. अनबॉक्सिंग में आपने चेक कर देखा होगा. नॉर्मल केबल, माइक्रो यूएसबी, ऑक्स, यूजर्स मैनुअल, वारंटी कार्ड, बॉक्स, और ये है स्लीक लिनियर्ड. पता नहीं क्या चीज है लेकिन लिखा हुआ है, सॉरी. अब आते हैं स्पीकर के ऊपर, चेक करते हैं कैसा है. सीधा टर्न ऑन करने पे The Bluetooth device is ready to pair. जनानी बोलती है. कनेक्ट करते हैं. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. पहले तो राजस्थान वाली वीडियो किस किस ने देखी है, अगर देखी है आप ये गाना पहचान पाओगे, अगर नहीं देखी लिंक इधर उधर कहीं होगा ढूंढ लो. और अगर एक गाना चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में. तो बात करते हैं स्पीकर कैसा है. डिसेंट है, वेट थोड़ा सा कम है अगर देखा जाए कि स्पीकर्स के मुकाबले, क्योंकि साइज के हिसाब से ऐसा लगता है काफ़ी भारी होगा, हल्का है लेकिन. और ये 1100 के आसपास फ्लक्चुएट होता है फ्लिपकार्ट पे. नाम Artis BT90, चेक करना है कर लो. बैटरी है 1500 mAh, 1500 mAh, 2.1 inch का स्पीकर है, 3 watt का, 3 watts. सिर्फ एक स्पीकर है इसमें और यहाँ पे एक पोर्ट है ताकि थोड़ा बहुत बेस रिवर्बरेशन के कारण हो, क्योंकि अंदर से हॉलो है, खोखला है. ये सारी स्पीकर आवाज़ प्रोड्यूस करता है उस तरफ को, बेस जनरेट करता है इस तरफ को, ज़्यादा बेस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा. 3 watt का स्पीकर है, क्या मिलेगा इसमें. लेकिन बात यह है कि 6 घंटे चल जाता है ये एक चार्ज पे, अराउंड 6 घंटे. अगर इसको हम ये बोले या रेटिंग करें कि 10 में से कितने इसको देंगे, इसको मैं 6 के आसपास दूंगा, क्योंकि 1100 में से अच्छे मिल जाते हैं. क्वालिटी साउंड की डिसेंट है, यानी कि बहुत सही है, बहुत क्लियर है. कभी कभी फटती है लेकिन कभी कभी दिक्कत देता है. किस तरीके की दिक्कत, कनेक्टेड है खुद ही डिसकनेक्ट हो जाएगा, खुद ही ऑफ हो जाएगा, बैटरी ख़त्म नहीं हुई, अगर ऑफ करके ऑन करो चलता है. लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, अगर इस सपोज करो मैं शो देख रहा हूँ कोई, या मूवी देख रहा हूँ, या गाने ही सुन रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, खुद ही ना कुछ टाइम बाद अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगा. फिर खुद पेयर करना पड़ता है. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शायद फर्मवेयर में होगी. खैर इसमें क्या ही फर्मवेयर अपडेट आएगा, हार्डवेयर है ये, किससे कनेक्ट करेंगे. एंड इसमें ऑक्स कनेक्ट हो जाती है, सब स्पीकरों में होती है, पेंड्रिव लगती है, सब स्पीकरों में लगती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. माइक्रो एसडी स्लॉट है इसमें, एलईडी इंडिकेटर है, चार्जिंग के लिए यूज़ करता है 5 volt 1 ampere का माइक्रो यूएसबी पावर आउटपुट, और जो स्विच है वो टॉगल स्विच है. कनेक्ट बहुत जल्दी होता है लेकिन उससे कनेक्ट हो गया.
आवाज नहीं आ रही। The Bluetooth device is connected successfully. Problem. Disconnect करके reconnect करता हूँ। Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. और इस पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस हैं मोड के। Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready. The Bluetooth device is connected successfully. अभी मैं रेडियो चलाने की ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। Bluetooth device is ready to pair. The radio mode. चलाऊँ। The Bluetooth device is ready to pair. Copyright strike आ सकती है। हम skip and वो सब normal control जो हर speaker में होते हैं, standard speaker है, लेकिन सो वर्डिक्ट, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? 1000 रुपए के अंदर इससे अच्छे मिलते हैं, नो डाउट। लेकिन ये 1000 रुपए का ही नहीं मिलता कोई, क्या अगर आप बोलो कि हाँ मेरे को लेने 1000 रुपए का, तो फिर ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप ये कहो कि हाँ मैं थोड़ा सा इंक्रीज थोड़ा सा, तो बहुत अच्छे अच्छे वेरियंट्स है, सबलाइन 3 वो थोड़ा सा महंगा है, नो डाउट, वो 2000 टच कर जाता है। और भी वेरियंट्स हैं, आप सर्च कर सकते हो। लेकिन ये है अर्टिस्ट BT90। वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो बाकी बातें बाद में, मिलते हैं फिर, बाय।